दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेथ मशीन में आप किस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ड्रिलिंग के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए और किस तरह से हमने ड्रिलिंग की है लेथ मशीन पे। आज हम देखेंगे हमें बोरिंग ऑपरेशन करना है और बोरिंग टूल की हेल्प से, बिना किसी ड्रिल की हेल्प से होल को हम लार्ज करेंगे, इसके साइज़ को, डाया को बढ़ाएंगे एक बोरिंग टूल की हेल्प से। किस तरह से हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं अपनी लेथ मशीन पर, किस तरह से हमें टूल को होल्ड करना होता है, सभी पर डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बोरिंग टूल है हमारा यहाँ पर, ये हमने यहीं लेथ मशीन पे यहीं बनाया हुआ है अपना ये बोरिंग टूल पूरा। आप भी बना सकते हैं अपनी वर्कशॉप में आप इस बोरिंग टूल को। यहाँ पर हमने ये हाई स्पीड स्टील की ये टूल बना के यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखते हैं बोरिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जॉब को इस तरह से क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने के बाद ये हमारा बोरिंग टूल है, इसको हम अपने इस टूल पोस्ट में यहाँ पर इस तरह से क्लैंप करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इसको टूल को अपने बोरिंग टूल में दिखाया, जैसे कि ये बोरिंग को यहाँ पर इस तरह से अच्छे से क्लैंप करेंगे। उसके बाद हम क्रॉस स्लाइड और लीनियर स्लाइड की हेल्प से अपने टूल की पोजीशन चेक कर लेंगे कि हमें जहाँ पर बोरिंग करनी है। ओके, इस तरह से हमने अपनी सेटिंग्स कंप्लीट की, उसके बाद मशीन को ऑन करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ से ये लीनियर स्लाइड है हमारा, लीनियर स्लाइड की इस हेल्प से हम इसको आगे की तरफ टूल को लेके जाएंगे। और यहाँ एक क्रॉस स्लाइड है, इससे हम डेप्थ ऑफ कट देंगे, हमें कितना कट लेना है बोरिंग के लिए। ओके, तो अभी देखते हैं किस तरह से करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमने भी किया है बोरिंग, उसी तरह से आप यहाँ पर ये क्रॉस स्लाइड की हेल्प से जितना भी साया हमें लार्ज करना है, डायमीटर अपने होल का जितना भी डाया बड़ा करना है, उस हिसाब से हम यहाँ से इसकी फीट के अकॉर्डिंग उतना कट लेके हम इसको बोरिंग अपना होल बड़ा कर सकते हैं। तो देखा हमने किस तरह से अपना ये बोरिंग ऑपरेशन किया है अपने इस बोरिंग टूल की हेल्प से। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी जॉब है हमारे, किसी भी साइज़ की, किसी डिफरेंट साइज़ की, हम बोर्स को बड़ा कर सकते हैं, बैरिंग के साइज़ को बना सकते हैं। इस तरह से हम बैरिंग को ही फिट करना है तो इस तरह से हम बोरिंग टूल से उसका डाया बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से हम बोरिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।